Hello students and welcome to Best Lending classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 1 of your accountancy book, that is not for profit organization. So let's get started from question 49. Iske previous ke questions hum last video tak discuss kar chuke hain. Aap jaake check kar sakte hain, proper playlist bani hui hai. क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट करते हैं. कॉन्फिडेंट क्लब की बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2020. मतलब इस बार क्या हुआ, हमारा काम थोड़ा सा इजी हो गया, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी क्वेश्चन में ही प्रिपेयर्ड मिल गई. अब हमें ये प्रिपेयर नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है. तो ये सारी चीजें ओपनिंग की गिवन है और कैपिटल फंड का भी बैलेंस ही यहाँ पे मिल गया, ठीक है. उसके बाद अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी गिवन है, एक बार वो देखिए. ये हमें करंट ईयर का गिवन है, ब्रॉड डाउन वाला तो इंक्लूड नहीं होगा. सब्सक्रिप्शंस आ जाएंगी, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल आ जाएगा, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इंक्लूड होगा. बुक वैल्यू आपको 10,000 की है, सेल आपने 6,000 पे किया है. कम पे सेल किया है मतलब 4,000 का लॉस हो रहा है, इसको एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाएंगे. फिर लाइफ एंट्रेंस फीस आ जाएगी, लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा जाके कैपिटल फंड में बैलेंस शीट में ऐड हो जाती है, वहीं कर देंगे. डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट मिली है, मतलब क्या है ना स्टूडेंट्स, ये स्पेसिफिक डोनेशंस है कि बता दिया कि ये डोनेशन आपको टूर्नामेंट के लिए ही मिली है. तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यूज नहीं होंगी, ये जाके बैलेंस शीट में यूज होंगी. उसके बाद हमें गिवन है वेजेस एंड सैलरीज, ये भी इंक्लूड हो जाएंगे. अब कीप ऑफ ग्राउंड ये भी आ जाएंगे, स्टेशनरी, ऑडिट फी. अब टूर्नामेंट पे ही आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं. देखिए, सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में टूर्नामेंट फंड गिवन था, उसी से रिलेटेड आपको डोनेशंस मिली हैं और उसी से ही रिलेटेड एक्सपेंसेस हुए हैं. तो ये सारी चीजें बैलेंस शीट में ही इंक्लूड होंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनसे रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा. उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो आएंगे ही नहीं. फिर इन्वेस्टमेंट बता दी. अब ये जब भी आपको रेट गिवन हो, एक बार जरूर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए. तो आप इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए कि 5% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलना था और 1 अक्टूबर 2020 से मिलना था, ठीक है. इसे कैलकुलेट करिए. और बैलेंस कैरेट डाउन में आपको कैशियर बैंक का बैलेंस गिवन है, इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाके यूज कर लेंगे, ओके. और उसके बाद आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, जो सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव आर ₹5,500, बट सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव इंक्लूड 4,000 फॉर नेक्स्ट ईयर. मतलब अभी तक हमें जो सब्सक्रिप्शन नहीं मिली है वो अभी 5,500 है, और जितनी मिल चुकी है ना उसमें से 4,000 तो नेक्स्ट ईयर की है. मतलब ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ बट ये नेक्स्ट ईयर का है, तो ये वाला अमाउंट ऐड और ये वाला अमाउंट लेस होना है, ठीक है. फिर सैलरीज आपको आउटस्टैंडिंग बता दी है 6,000 की, ये ऐड हो जाएंगी. और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अब बता दी है 45,000 की, ठीक है. तो देखिए, सबसे पहले आपको जो ये ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है इसमें भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस बताया, फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अमाउंट बताया, मतलब भी और परचेज कर लिया, और अब जितनी वो वैल्यू कर रहा है वो भी हमें बता दिया, ठीक है. और हमें 10% डेप्रिसिएशन भी बिलियर टेबल पे लगानी है, जिसकी वैल्यू हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन है. देखिए, बुक्स ऑफ कॉन्फिडेंट क्लब है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ईयर एंड डेट 31 मार्च 2021 से रिलेटेड है. सबसे पहले सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट है तो वो ले लो, बाय सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, जो कि आपको अमाउंट गिवन है 1,80,000 का. बट साथ ही साथ आपको सब्सक्रिप्शन देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता रखा था. सबसे पहले देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ गिवन है, बिल्कुल गिवन है. सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, देखिए ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आपको ओपनिंग में मिला है, तो वो करंट ईयर से ही, करंट ईयर के लिए ही मिला होगा, राइट. जो साल की शुरुआत होते ही अगर एडवांस मिलता है तो वो उसी ईयर के लिए मिलता है, और अगर एंड में मिलता है तो नेक्स्ट ईयर के लिए मिलता है. तो अगर शुरुआत में मिला है ना तो वो इसी ईयर के लिए मिला होगा, तो इसमें आप ऐड कर दोगे जो आपको एडवांस मिला है ओपनिंग में, ठीक है. तो वो एडवांस का अमाउंट है 6,000 का, वो ऐड कर दो. उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 8,000 है, जो कि प्रीवियस ईयर की है, जो कि ओपनिंग की है, क्योंकि साल की शुरुआत होते ही करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं हो सकती. तो वो वाला अमाउंट आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग की, ठीक है. उसे आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे. तो उसे लेस कर दो, और लेस करके आपके पास 8,000 आपको लेस करना है. तो ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड था वो हो गया. अब देखो कि क्या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी कुछ गिवन है. तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता रखा है कि 5,500 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो वो ऐड हो जाएगा जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है एंड का, क्योंकि वो करंट ईयर का है 5,500 का. और साथ ही साथ हमें 4,000 रुपीज ना नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस मिल गए, जैसे ये एडवांस ओपनिंग में मिला ना, तो ये एडवांस हमें एंड में मिला है, तो ये ना नेक्स्ट ईयर के लिए होगा. तो हम तो यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर की चीजें लेनी है, तो इसे एडलेस करिए, 1,80,500 का अमाउंट आपके पास आ जाएगा. फिर
सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है वो वाला अमाउंट ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाय सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, ये वाला अमाउंट आ जाएगा 1500 का। फिर सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अब उसके बाद आपको गिवन था सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट करिए, बुक वैल्यू 10,000 की थी, 6,000 में सेल करा है, तो इस केस में ना आपके पास लॉस हो रहा था, तो आप ये यहाँ लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है। देखिए मतलब क्या था ना कि बुक वैल्यू 10,000 की थी, सेल आपने कम पे कर दिया, तो इट मीन्स 4,000 का आपको लॉस हो गया, तो लॉस हम एक्सपेंडिचर साइड पे शो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एंट्रेंस फीस है वो आ जाएगी, बाय एंट्रेंस फीस इसको ले लो 2,000 का, ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस है वो तो आएगी नहीं, ठीक है। डोनेशंस मिली है टूर्नामेंट की वो भी नहीं आएंगी। अब आ जाइए एक्सपेंडिचर साइड पे, सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज, ये आ जाएंगी 60,000 की, ठीक है, सॉरी 60,000 की ये आ जाएंगी, बट आपको सैलरीज में अभी भी अनपेड बता रखा है ना 6,000 का, तो वो वाला अमाउंट भी देख लीजिए। तो अभी आपको बता रखा है कि आउटस्टैंडिंग है ये वाली सैलरीज, तो इसको आप ऐड कर दोगे जो कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड है 6,000 की, ठीक है। बट साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपको ना जो सैलरीज अनपेड ओपनिंग वाली भी गिवन है ओपनिंग बैलेंस शीट में, वो लेस हो जाएंगी, क्योंकि ओपनिंग में अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग है तो वो करंट ईयर का नहीं होगा, वो प्रीवियस ईयर का होगा, तो वो वाला लेस हो जाएगा, जो कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाला है वो लेस कर दोगे 11,000 का, और इसको सॉल्व करके 55,000 का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। फिर अपकीप ऑफ ग्राउंड्स है वो ले लीजिए, टू अपकीप ऑफ ग्राउंड्स, ये वाला अमाउंट आ जाएगा 10,000 का। उसके बाद स्टेशनरी है वो भी इंक्लूड हो जाएगी, टू स्टेशनरी 15,000 की। उसके बाद जो ऑडिट फी का अमाउंट गिवन है वो भी ले लो, ऑडिट फी का अमाउंट है 2,000 का, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद क्या गिवन है, एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट ये नहीं आएंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी नहीं आएंगी। फिर आपको बता रखा है 5% की इन्वेस्टमेंट है, 1 अक्टूबर 2020 पे करी है, इस पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिला, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, 6 मंथ्स का तो इंटरेस्ट मिलना था, मतलब जो भी इंटरेस्ट नहीं मिला वो एक्यूर्ड है। देखिए इंटरेस्ट मिलना था हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो इन्वेस्टमेंट है 40,000 की, उस पर 5% का इंटरेस्ट मिलना था और 6 मंथ्स का मिलना था, मतलब कि 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट है जो कि अभी तक हमें मिला नहीं है, पूरा का पूरा ही नहीं मिला, तो सारा का सारा ही एक्यूर्ड है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे, इनकम साइड पे शो करिए, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि हमें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना था और पूरा का पूरा एक्यूर्ड है, तो कि अभी तक कुछ भी नहीं मिला, 1,000 रुपीज का है, और ये हम लोग वर्किंग नोट 2 से कैलकुलेट करा है, ठीक है। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स, जब आपको ओपनिंग अमाउंट्स गिवन दिख गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, आपको क्लोजिंग का अमाउंट दिख गया, और जो नया परचेज करा है वो वाला अमाउंट भी दिख गया, और साथ ही साथ जो सेल हो रही है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की वो भी दिख गया, इट मीन्स हमें यहाँ पे जो स्पोर्ट्स मटेरियल करंट ईयर के यूज हुए हैं ना, वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब आपको यहाँ पे जो स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हुए हैं करंट ईयर के लिए वो निकालेंगे आप। हम क्या करते हैं, इसमें जो ओपनिंग बैलेंस है उसे ऐड कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हमने करंट ईयर में यूज कर लिया होगा, ठीक है। साथ ही साथ में जो परचेज हुआ होगा वो भी तो करंट ईयर के लिए ही परचेज हुआ है, ये वाला अमाउंट भी ऐड ही हो जाता है। जो सेल हुई है उतने से कम हो गया वो आप लेस कर दोगे, और जो क्लोजिंग है वो भी हम लेस कर देंगे, क्योंकि वो करंट ईयर में यूज नहीं हुआ, वो हमने नेक्स्ट ईयर के लिए रख दिया। तो देखिए 50,000 का आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, उसमें परचेज ऐड कर दो 20,000 की, 10,000 सिर्फ बुक वैल्यू की आप बात करेंगे सोल्ड होने के लिए, प्रॉफिट लॉस कुछ कंसिडर नहीं होगा, और साथ ही साथ जो क्लोजिंग अमाउंट है वो 45,000 का एडिशनल इन्फॉर्म में गिवन है, सॉल्व करके आपके पास 15,000 का अमाउंट आ जाएगा, जो कि स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हुए हैं करंट ईयर में। तो सिर्फ उतना ही जितने वो यूज हुए हैं वही स्पोर्ट्स मटेरियल यूज का अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। तो ये भी हमने वर्किंग नोट 1 से कैलकुलेट कर लिया, और ये अमाउंट आ गया 15,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे बिल या टेबल की वैल्यू नहीं इंक्लूड होगी, बट जो हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं वो वाली वैल्यू इसमें जरूर इंक्लूड हो जाएगी। तो आप यहाँ पे शो करेंगे टू डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन किस पे लग रही है, बिल या टेबल पे, 10% के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन लगानी है। तो आपको जो अमाउंट गिवन है स्टूडेंट्स वो 60,000 का गिवन है, 60,000 का 10% होता है 6,000, वो आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर डेट इज योर सरप्लस वो वाला अमाउंट लिखेंगे,
और फिर जो भी टोटल आ रहा है अब वो लिख के दिखाएंगे। अब हमें क्या करना है, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहले जो कैपिटल फंड का अमाउंट हमें गिवन है वो वाला, जैसे कि हम अभी तक लिखते आए हैं, तो वही ओपनिंग वाला अमाउंट आप लिख दीजिए, तो वो है 2 लाख का। उसके बाद जो सरप्लस होता है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं हमेशा, और डेफिसिट लेस। और लाइफ मेंबरशिप फीस का अमाउंट भी हम हमेशा कैपिटल फंड में ही ऐड करते हैं, तो लाइफ मेंबरशिप फीस 50,000 का ये वाला अमाउंट भी ऐड हो जाएगा और टोटल करके 3,28,000 आ जाएगा। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का जो अपर अमाउंट है वो वाला एसेट है, तो वो एसेट साइड पे आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें जो हमें सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, जो कि अब सब्सक्रिप्शन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बच गई है ना सब कुछ करके, सेल करके परचेज करके, वो इन टोटल 45,000 का क्लोजिंग बच गया है, ठीक है। उसके बाद आपको गिवन था ग्राउंड्स का अमाउंट, जो कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में ही गिवन है, वो भी एक तरीके के एसेट ही होते हैं ना, तो वो भी एसेट है, वो भी आ जाएगा। साथ ही साथ आपको जो बिलियार्ड टेबल का अमाउंट गिवन है ना, आप वो लिखेंगे। देखिए बिलियार्ड टेबल जो कि 60,000 का है, बट इसमें जो डेप्रिसिएशन लग गई है वो लेस करके लिखोगे, तो इसमें से 6,000 लेस कर दो और 54,000 का अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है हमारे पास 5,500 का, जो कि उन्होंने बोल रखा था, अभी तक हमें नहीं मिली है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो वाला अमाउंट भी आ जाएगा 5,500 का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी है, 5% हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है 40,000 की, और इस पे एक्रूड इंटरेस्ट है जो कि मिला ही नहीं है हमें, तो वो एक्रूड इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 1,000 का। टोटल करके हो गया 41,000, ठीक है, तो कि इसी पे मिलना है ना इंटरेस्ट, तो इसी में ही ऐड करके शो करेंगे। और साथ ही साथ जो कैश एंड बैंक का कैरेट डाउन वाला बैलेंस है वो भी आ जाएगा, तो कैश एंड बैंक 87,500 ये वाला अमाउंट भी इंक्लूड हो जाएगा। अब और क्या क्या आना है लाइबिलिटी साइड पे, सबसे पहले याद आ रहा है कि टूर्नामेंट फंड भी तो गिवन था ना, तो वो वाला अमाउंट लिखो। देखो टूर्नामेंट फंड, ठीक है, टूर्नामेंट फंड का सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस था वो आएगा, जो कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में 60,000 का गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसी के अंदर जो उससे रिलेटेड डोनेशंस है ना वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि जब स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड डोनेशन मिली होती हैं वो उसी में ही ऐड, और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस उसी में से ही लेस। 65,000 के एक्सपेंसेस हो रहे थे वो लेस करे, और 15,000 का इसका अमाउंट निकल के आ गया। उसके बाद एडवांस में हमें सब्सक्रिप्शन भी मिल रखी है, ठीक है, जो कि लिखा हुआ था ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि 4,000 ना नेक्स्ट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन मिली है, तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गई, तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 4,000 का लेस हो जाएगा। साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग वाली सैलरी का जो अमाउंट गिवन है वो आप यहीं पे शो करोगे, सारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड पे आती है एक्सेप्ट सब्सक्रिप्शन, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 की ये अमाउंट भी आ जाएगा। जब सारी चीजें इंक्लूड हो गई तो फिर जो टोटल आ रहा है दैट इज 3,53,000 का, वो लिख के शो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ओल्ड मैन स्पोर्ट्स क्लब एंड द गिवन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021 एंड द बैलेंस शीट। सेम ही चीज है, सबसे पहले हमें ना एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को उन्होंने प्रोवाइड करा है, जिसके अंदर क्या है, आपको बैलेंस ब्रॉक डाउन गिवन है, फिर आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट गिवन है, ठीक है, फिर आपको इंटरेस्ट बता दिया कि इन्वेस्टमेंट पे आपको 8% के हिसाब से जो इंटरेस्ट मिला है पूरे साल का वो मिला है 40,000 का, ठीक है, सैलरीज बता दी है, स्पोर्ट्स मटेरियल का जो हमने और परचेज करा है वो, और बैलेंस कैरेट डाउन का अमाउंट बता दिया है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, क्लब को रिसीव हुए हैं 20,000 19-20 में 20-21 के लिए, मतलब पिछले साल एडवांस मिला था पर वो करंट ईयर के लिए एडवांस मिला था, तो ये वाला अमाउंट ऐड हो जाएगा सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में, ठीक है। उसके बाद फिर आपको गिवन है सैलरीज, ठीक है, सैलरीज उन्होंने बताई कि 11 मंथ्स की ही पे करी है, इसका मतलब ये है कि सैलरीज हमें 12 मंथ्स की पे करनी थी, मतलब कि सैलरीज जो हमें पे करनी थी वो हमें पूरे साल की पे करनी होती है 12 मंथ्स की, बट हमने पे 11 मंथ्स की करी है, तो 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग हो गया। फिर स्पोर्ट्स मटेरियल का अमाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग बता दिया, ठीक है, साथ ही साथ आपको हिंट में ये बता रखा है कि देखिए 8% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट बता दिया 40,000 का, बट इस बार देखिए आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं गिवन है, तो वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी,
देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। उसके लिए हमें बैलेंस ड्रॉपडाउन यूज नहीं होगा, बट सब्सक्रिप्शन वाला जो अमाउंट है वो यूज हो जाएगा। तो आप इस साइड लिखिए, सॉरी इस साइड बाय करके आता है, बाय सब्सक्रिप्शंस का जो अमाउंट है। तो देखिए जो आपको रिसीव हुआ है वो है 6,60,000 का, जो कि हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिख रहा है। साथ ही साथ आपको जो उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया है उसको भी ध्यान रखें कि क्लब में 20,000 ना हमें प्रीवियस ईयर में मिले थे, बट वो करंट ईयर के लिए मिले थे। मतलब ये क्या है, हमें एडवांस मिला है और साल की शुरुआत में मिला है, बिगनिंग में मिला है, पर मिला तो करंट ईयर के लिए ही है ना, तो वो तो ऐड ही होगा। तो 20,000 वाला अमाउंट ऐड कर दो और टोटल 6,80,000 आ गया। साथ ही साथ आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट बता रखा है 8% इन्वेस्टमेंट पे, वो वाला अमाउंट भी आ जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 40,000 का ये मिल गया, ठीक है। फिर सैलरीज गिवन है, तो इस साइड ना आप सैलरीज तो बिल्कुल लिखिए जो आपने पे कर दिए हैं। सबसे पहले वही अमाउंट आएगा 3,30,000 का, बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोल रखा था कि सैलरीज ना आपने सिर्फ 11 मंथ्स की ही पे करी है। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्किंग नोट में हमें जो एक मंथ की जो आउटस्टैंडिंग रह गई है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए आपने क्या करा, जो ये 3,30,000 की स्टूडेंट्स आपने सैलरी पे करी है, अगर आपने एक मंथ की पे नहीं करी है, इट मीन्स आपने 12 मंथ्स में से 11 मंथ्स की पे करी है, तो ये 3,30,000 क्या है, 11 मंथ्स की सैलरी है ना। तो इससे आप डिवाइड करके 11 से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे कि ये 30,000 क्या है, 1 मंथ की सैलरी है और 1 मंथ की ही आउटस्टैंडिंग है, तो ये हम अब शो कर देंगे। तो देखिए हमने वही किया, जो सैलरीज हमने पे करी है वो अमाउंट लिखा और जो आउटस्टैंडिंग आया है वो हमने वर्किंग नोट से कैलकुलेट करा है, उसमें हमने ऐड कर दिया। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपको स्पोर्ट्स मटेरियल का अमाउंट गिवन है, बट इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में जाके ना कैलकुलेट करना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स मटेरियल टोटल कितने यूज हुए हैं करंट ईयर में, क्योंकि हमें ना इसका ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। तो वही हम वर्किंग नोट में फिर से जाएंगे, कितने स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हो रहे हैं हमें वो निकालना पड़ेगा। इस केस में हम क्या करते हैं, जो कि ओपनिंग बैलेंस होता है उसे हम ऐड करते हैं, क्योंकि वो करंट ईयर में यूज हो जाएगा। साथ ही साथ जो परचेज हुआ है वो भी करंट ईयर के लिए हुआ है, उसको भी हम ऐड करते हैं, पर जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम लेस कर देते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, वो हमने इस साल यूज नहीं किया, वो हमने अगले साल के लिए रख दिया, तो वो लेस हो जाएगा। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के थर्ड पॉइंट में आपको ओपनिंग बैलेंस दिख गया। साथ ही साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें बता रखा था कि हमने 4 लाख का और एडिशन किया है, परचेज करा है, और क्लोजिंग बैलेंस में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 6,50,000 का आपको अमाउंट दिख जाएगा। तो इसको सॉल्व करके निकल के आ गया 50,000। मतलब ये वो 50,000 का अमाउंट है जो कि स्पोर्ट्स मटेरियल हमने यूज करे हैं करंट ईयर में। तो अब हम इसको ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे कि कितने स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हुए हैं। तो 2 स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड ये दिखाएंगे आप, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया 50,000 का अमाउंट आ रहा है वर्किंग नोट से, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे और कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा, सारी चीजें हमने इंक्लूड कर ली हैं। यहाँ से हमारे पास सरप्लस निकल के आ रहा है जो कि बैलेंसिंग फिगर है, और ये आपके पास आ रही है 3,10,000 की। टोटल करके आपके पास दोनों साइड का 7,20,000 एंड 7,20,000 आ जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि अब हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स वो कैसे निकलती है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, आप खुद समझिए। देखिए कुछ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होगा, उसका हमने 8% किया होगा और उससे हमें इंटरेस्ट 40,000 का मिला होगा। लेट कर लीजिए वो अमाउंट एक्स था, अब इसको यहीं रखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो ये 100/8 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास अमाउंट क्या निकल के आ रहा है, 5 लाख का। तो अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए हमें सबसे पहले तो भाई यही चाहिए, इन्वेस्टमेंट का ये अमाउंट चाहिए, और ये हमने वर्किंग नोट से ही निकाल लिया है जो कि आ रहा है 5 लाख का, ठीक है। इसके बाद क्या था, जो स्पोर्ट्स मटेरियल हमें ओपनिंग वाले गिवन है वो आ जाएंगे, तो सिर्फ ओपनिंग वाले इंक्लूड करिए। तो जो स्पोर्ट्स मटेरियल है वो है 3 लाख के। फिर जो बैलेंस ब्रॉडबाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस जो भी हमें कैश का गिवन है वो आ जाएगा 1,90,000 का। फिर सब्सक्रिप्शन आपको बता रखी थी कि हमें एडवांस में मिली हुई है, ठीक है। तो वो पिछले साल एडवांस, तो पिछले साल ओपनिंग के लिए तो वो स्टूडेंट्स लाइबिलिटी थी ना, तो जो सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिली है वो ओपनिंग के टाइम पे लाइबिलिटी है, तो ये एडवांस वाली सब्सक्रिप्शन आ जाएगी 20,000 की। उसके बाद आपके पास बस यहाँ पे कैपिटल फंड का अमाउंट निकल के आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, डेट इज 9,70,000 की, ठीक है। बस अब आप इसको दोनों साइड टोटल करेंगे तो 9,90,000 एंड 9,90,000
5000। अब बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, जिसमें सबसे पहले तो भाई कैपिटल फंड का ही अमाउंट आ जाएगा, जो कि ना आपका अभी जो निकल के आया है वही वाला अमाउंट लिखी है, तो वो आपका आया है 9,70,000 का, वो वाला अमाउंट लिख दो। इसके बाद इसमें जो सरप्लस है वो ऐड कर दो, और अगर लाइफ मेंबरशिप फीस का अमाउंट होता तो वो भी इसी में ही ऐड हो जाता, तो दोनों को ऐड करके 12840 आ जाएंगे। उसके बाद आपको अभी हमने जो ऊपर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट निकाला, क्योंकि हमने सैलरी 11 मंथ्स की पे करी है, तो वो भी आप लायबिलिटी में दिखा दीजिए, 30,000 का आया था। और ये भी हमने क्या करा था, स्टूडेंट्स वर्किंग नोट से ही कैलकुलेट करा था, ठीक है। इसके बाद क्या है आपके पास, अब क्या क्या चीज़ आएंगी, एक तो आपने स्पोर्ट्स मटेरियल का जो अमाउंट ओपनिंग बैलेंस शीट में इंक्लूड करा है वो क्लोजिंग में भी तो इंक्लूड होगा ना, तो वही स्पोर्ट्स मटेरियल का अमाउंट लिख दो, पर इस साल क्लोजिंग वाला ही आना है, तो सिर्फ तो क्लोजिंग वाला इंक्लूड करिए, ठीक है। हमने ये लिख लिया आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट, और हमने ये सब कुछ इंक्लूड कर लिया। इसके बाद आपके पास क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल हमने ले लिए, कैश का जो अमाउंट है वो ले लो, जो कि क्लोजिंग है 1,60,000 का। साथ ही साथ जब हमने 8% की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करी है, ये भी आ जाएगी 5,00,000 की, दैट्स इट। अब बस दोनों साइड का टोटल हो जाएगा और वो अमाउंट हम इंक्लूड कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें भारतीय क्लब का गिवन है, इस बार करंट ईयर 31 मार्च 2019 है। ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन तो यूज होगा नहीं, सब्सक्रिप्शन आ जाएंगी, डोनेशंस आ जाएंगी, लाइफ मेंबरशिप फीस जाके कैपिटल फंड में ऐड होगी, इन्वेस्टमेंट से इतना इनकम हुआ, इतना इंटरेस्ट मिला, ठीक है। सैलरीज आ जाएंगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, रेंट आ जाएंगी, बट बुक्स नहीं आएंगी, और बैलेंस कैरेट डाउन तो बैलेंस शीट में जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग की गिवन है, तो जो ओपनिंग की एडवांस होगी स्टूडेंट्स, वो ना ओपनिंग की जो एडवांस सब्सक्रिप्शन होगी ना वो हमें मिली होगी, तो वो करंट ईयर के लिए मिली होगी, तो वो हम ऐड करते हैं। और जो एंड में एडवांस मिला है वो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये वाला अमाउंट लेस करेंगे, ये ऐड करेंगे। बट आउटस्टैंडिंग एंड वाली ऐड होती है, तो 4,300 ऐड हो जाएगा, और जो ओपनिंग का है और आउटस्टैंडिंग वो प्रीवियस ईयर का होगा, ये लेस हो जाएगा। बुक्स आपको मिली है 8,000 की, मतलब 8,000 की बुक्स ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है, ठीक है। तो हम बैलेंस शीट में दिखा लेंगे, और इन्वेस्टमेंट हमें बता दी 25 है, अभी भी उतनी नहीं, कुछ एडिशन नहीं किया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट जो कि इनकम साइड पे शो होगा, तो इस साइड आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें सब्सक्रिप्शन क्रेडिट करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो रिसीव हो रहा है ना स्टूडेंट्स, वो बता रखा है, ठीक है। उसी के अंदर अब हम, मैंने आपको बताया कि हम एडवांस जो हमें ओपनिंग में मिला है वो हम ऐड करते हैं, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड होगा, ये आप ऐड करोगे। और उसका ऑपोजिट, दैट इज जो एडवांस क्लोजिंग में है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, वो लेस होगा। और साथ ही साथ जो आउटस्टैंडिंग एंड का है वो ऐड, और जो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का है वो लेस हो जाता है। तो बस अब सारी चीजें पोस्ट कर दो। देखो, रिसीव हुआ है 7,500 का, 2,000 का जो हमें एडवांस ओपनिंग का है वो ऐड हो जाएगा, और 3,500 का जो एडवांस क्लोजिंग वाला है वो हम लेस कर देंगे, तो वो आप लेस कर दो, ठीक है। साथ ही साथ में अब जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग की है 3,400 की, वो लेस कर दो, और जो 4,300 है वो ऐड कर दो, जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। बस अब आप इसको सॉल्व करिए, और सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 6,990 का आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कितने का अमाउंट दिखाएंगे, 6,990 का सब्सक्रिप्शन का। फिर डोनेशंस मिल रही हैं वो आ जाएंगी बाय डोनेशंस 5,000 की, और ये वाला अमाउंट वर्किंग नोट से आया है। उसके बाद आपको बता रखा है कि इनकम हो रही है इन्वेस्टमेंट से, तो वो लिख दो बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, अब मैंने क्या बताया था कि हमेशा आपको जो भी ये अमाउंट गिवन हो, जब भी आपको रेट के साथ गिवन हो ना, तो एक बार जरूर कैलकुलेट करके देख लो कि कुछ एक्यूरेट तो नहीं है। तो देखिए, एक्यूरेट इसमें आपके पास निकल के आ रहा है, जो कि मैंने बताया था कि मोस्टली केसेस में ना एक्यूरेट इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें जरूर एक बार कैलकुलेट करके देखना चाहिए। देखिए, 25,000 की 3 जो इन्वेस्टमेंट थी वो 25,000 की थी, उस पर हमें ना 9% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना था, तो हमें मिलना था स्टूडेंट्स 2,250 का इंटरेस्ट, पर मिला 2,000 का है, मतलब 250 का एक्यूरेट है, टोटल मिला के 2,250 हो गया, ठीक है। और कुछ भी आपका नहीं आएगा जिससे इनकम साइड पे। अब एक्सपेंडिचर साइड पे सबसे पहले सैलरीज, 2 सैलरीज आ जाएंगी 25,000 की, फिर जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हैं वो आ जाएंगे 2 ट्रैवलिंग
एक्सपेंसेस 4000 के, स्टेशनरी का अमाउंट आ जाएगा 3000 का, और जो रेंट का अमाउंट गिवन है वो आ जाएगा 32000 का। इसके अलावा बुक्स तो यहाँ पे नहीं इंक्लूड होंगी, वो नहीं आएंगी, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से इस केस में सरप्लस आ रहा है बैलेंसिंग फिगर में 13150 का, और बस अब हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम क्या करेंगे, बस दोनों साइड टोटल शो कर देंगे 77150 एंड सेम ऑन द अदर साइड 77150। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। इस पर हमें ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं गिवन है, तो देखिए सबसे पहले जो एसेट्स है ना वो ले लीजिए। एक तो बुक्स दिख रही थी 8000 की, वो आ जाएंगी। फिर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का ही गिवन है, तो मतलब इस साल क्या करो, ओपनिंग वाली साइड पे जो भी ओपनिंग वाले अमाउंट गिवन है ना वो लिख दो। आ गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो गिवन है ओपनिंग वाली अमाउंट में वो लिख दो, ठीक है 3400 की। और साथ ही साथ जो एडवांस सब्सक्रिप्शन भी ओपनिंग के टाइम ओपनिंग वाले उसमें गिवन है वो वाला अमाउंट भी आ जाएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2000 की। कैश का भी हमें अमाउंट गिवन है 10500 का, वो लिख दो। इसको सॉल्व करके हमारे पास कैपिटल फंड का अमाउंट आ जाएगा जो कि बैलेंसिंग फिगर आएगी 44900 की। फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल लिख देंगे 46900 एंड 46900। नाउ लास्ट इज हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, तो सबसे पहले जो जो चीजें आपने ओपनिंग में ली वो ले लीजिए। हमें बुक्स का अमाउंट जो भी आप देखिए आप जो क्लोजिंग वाली साइड में गिवन है वो लिखो, तो 12000 का ही आ गया। फिर 9% इन्वेस्टमेंट जो हमने वहां पे इंक्लूड करी वही सेम यहाँ भी हो जाएगी 25000 की। बट इस बार क्या है, हमें इन्वेस्टमेंट पे ना एक्यूड इंटरेस्ट भी मिलना है, तो वो वाला अमाउंट भी ले लोगे आप, ठीक है 250 का टोटल आ जाएगा 25250 का। हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वहां पे भी लिया था और हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस दिस साइड भी लेंगे, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4300 की है। और कैश का अमाउंट हमने वहां पे भी लिया था, यहाँ पे भी लेंगे 30000 का। जो जो चीजें वहां ली हैं वही वही लेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमने वहां पे भी इंक्लूड की थी, इस साल की भी हमें गिवन है ना एडवांस हमें मिल गया हो, तो वो गिवन है 3500 का, वो भी लिख लो। अब इस साइड सारे फंड आते हैं तो कैपिटल फंड भी आएगा जो हमने वहां से कैलकुलेट करा है। सबसे पहले हमने ओपनिंग निकाला है वर्किंग नोट से 44900 का, इसमें जो भी सरप्लस ऐड हो जाएगा 13150 का। और लाइफ मेंबरशिप फीस इफ गिवन हमेशा इसी में जाके ऐड होती है, गिवन थी इस बार हमें, तो वो इसी में ही ऐड हो जाएगी 10000 की। टोटल करके आ जाएगा 68050। बस अब क्या करेंगे, आप दोनों साइड का टोटल करिए और टोटल वाला अमाउंट लिख दीजिए 71550 एंड सेम 71550। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो दैट इज 52। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखिए आपको क्या गिवन है, ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन तो इंक्लूड नहीं होगा, कैश इन बैंक का जो अमाउंट है, डोनेशंस आ जाएंगी, सब्सक्रिप्शंस, एंट्रेंस फीस आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला वो आ जाएगा, बैंक से इंटरेस्ट मिला ठीक है, और न्यूज़पेपर्स और ड्रामा टिकट सेल करी ठीक है, सैलरी रिपेयर एक्सपेंसेस आ जाएंगी, फर्नीचर नहीं आएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा ये नहीं आएगा, एसेट है, पेपरिंग एक्सेट्रा आ जाएगा, ड्रामा के एक्सपेंसेस आ जाएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, सब्सक्रिप्शन इन एरर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, और जो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस मिला है वो है 3500 का, तो ये अमाउंट ऐड और ये लेस हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है उसी में ऐड हो जाएगा, और प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं उसी में से ही लेस हो जाएंगे। अच्छा अब उन्होंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि इन्वेस्टमेंट पे जो कि 8% की इन्वेस्टमेंट है ना उस पे 5 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो एक्रीड है, ठीक है, और जो बिलियार्ड टेबल है 3 लाख का वो हमने परचेज करा था पिछले साल और उसके लिए हमने 2,20,000 ही रुपीज पे किए थे, ठीक है। फटाफट से करते हैं, आप देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें डोनेशंस का अमाउंट गिवन है वो लिख दो इनकम साइड पे, तो इस साइड आ जाएगा बाय डोनेशंस 50,000 की, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड भी हमें गिवन है, बट इससे रिलेटेड हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी गिवन था, तो सब कुछ ले लेंगे। देखिए सबसे पहले आपने सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिखा 1,20,000 का, बट इस साल क्या था, इसमें हमें बता रखा था कि इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग जो है वो वाला अमाउंट ऐड कर दो, और जो हमें एडवांस मिला है एंड में वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है वो वाला अमाउंट लेस कर दो, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 12,550।
फिर हमें एंट्रेंस फीस का अमाउंट गिवन है वो ले लो, एंट्रेंस फीस 10,000 की, ठीक है। फिर इंटरेस्ट हमें मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, बट स्टूडेंट्स एक्यूरेट भी तो है ना इंटरेस्ट, तो सबसे पहले लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो तो 1,000 का है। इसमें एक्यूरेट भी है इंटरेस्ट, वो कैसे है देखिए, 60,000 के आपके पास इन्वेस्टमेंट है, 8% का इंटरेस्ट है जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया है, और उसी में ही बता दिया कि 5 मंथ्स का ही एक्यूरेट है। इसे सॉल्व करिए, 2,000 आएगा, टोटल करके 3,000 एक्यूरेट इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद क्या किया, जो ये तीनों चीजें गिवन थी, मतलब ओल्ड न्यूज़पेपर की सेल करी, ड्रामा टिकट्स की, और जो भी बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ये सब क्या था, रेवेन्यू नेचर की ही चीजें थी, तो ये मैंने लिख के आपको शो करी है। अब फिर एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाइए, देखिए एक्सपेंडिचर साइड पे सबसे पहले तो सैलरी आ जाएगी 20,000 की, रिपेयर एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब हमें पता है बस उसे पोस्ट करना है। अब देखिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बट स्टूडेंट ध्यान रखिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000 के थे, बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ना आपको प्रीपेड भी बता रखे थे 900 के, उसको लेस करके शो करिएगा। साथ ही साथ जो इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट है उसको भी इंक्लूड करेंगे, बट इसमें आउटस्टैंडिंग भी बता रखा था, तो 2000 के थे, 400 का आउटस्टैंडिंग है, तो आप 2400 का जो अमाउंट है वो शो करेंगे। साथ ही साथ जो आपके पेपर और इंक से रिलेटेड है ये भी रिवेन्यू नेचर के हैं, ये भी ले लो, और जो ड्रामा एक्सपेंसेस हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो ड्रामा एक्सपेंसेस 5,000 के। बस अब इसको सॉल्व करके आपके पास सरप्लस निकल के आएगा, बैलेंसिंग फिगर दैट इज 166,500 का, और हम दोनों साइड का टोटल शो कर देंगे, टोटल आ रहा है 204,500 एंड 204,500। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। रीजन ये है कि हमें यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल फंड का अमाउंट नहीं गिवन है, तो बस जो भी ओपनिंग चीजें गिवन है, सबसे हमें पहले हमें बिलियार्ड टेबल का अमाउंट गिवन है, तो कि एसेट तो लेने ही है ना, तो 3,00,000 के ये ले लो, और हमें कुछ नहीं गिवन एसेट्स में सिवाय कैश एंड बैंक के अमाउंट के, वो ले लो 1,40,000 का। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स एक चीज उन्होंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये बताई थी कि पिछले साल ना हमने 3,00,000 का पे करा, इसीलिए हमने यहाँ पे ओपनिंग में शो कर दिया, मतलब पिछले साल के एंड में, बट हमने ना उसके लिए 3,00,000 में 2,20,000 ही पे करे थे, मतलब 80,000 के तो पिछले साल क्रेडिटर्स आ गए होंगे ना, तो ये आपके पास क्रेडिटर्स हैं पिछले साल से रिलेटेड, बिलियार टेबल से रिलेटेड, जो कि ना इस साल आपको जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पेमेंट साइड में जो 80,000 का अमाउंट बिलियार टेबल से रिलेटेड गिवन है, मतलब हमने अपने क्रेडिटर्स इस साल फिनिश कर दिए हैं, तो ये इस साल की बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, पर पिछले साल की बैलेंस शीट में आएंगे, उस टाइम पे नहीं किए थे, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट कैसे आया, 3,00,000 में से 2,20,000 को लेस करके, बस अब आपने ये सब चीजें इंक्लूड कर ली, अब बस आपके पास यहाँ से कैपिटल फंड की बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगी, जो कि आ रही है 3,60,000 की। फिर जो दोनों साइड का टोटल है वो आ जाएगा, दैट इज 4,40,000 एंड 4,40,000। नाउ लास्ट इज कैपिटल फंड, लिखे हैं सबसे पहले यहाँ पे जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस निकल के आया है, अभी अभी हमने निकाला 3,60,000 का, और इसी में ही जाके सरप्लस ऐड हो जाता है, और अगर कुछ लाइफ मेंबरशिप फीस का भी अमाउंट गिवन होता तो वो भी आ जाता, पर वो इस बार गिवन नहीं है, ठीक है। अब वहां पे क्या क्या लिया था ओपनिंग में, बिलियार्ड टेबल का अमाउंट लिया था ना, उसे लिख लो, बिलियार्ड टेबल 3,00,000 का आ जाएगा। अब ऐसे इस साल और क्या क्या हमने ले लिए, देखिए फर्नीचर ले लिया 60,000 का, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट्स तो है हमारे पास 60,000 की, बट हमने इसमें अभी हमने कैलकुलेट करा था कि इसमें ना एक्यूट था 5 मंथ्स का, जो कि 2,000 आया था, तो अब 62,000 लेंगे, 1,000 नहीं लेंगे, क्योंकि वो रिसीव हो चुका है और वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा चुके हैं। साथ ही साथ जो इस साल की आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, वो ले लीजिए, जो कि है 9,000 की। साथ ही साथ में स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो एडवांस सब्सक्रिप्शन थी, जो कि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेस करी थी, वो आप लायबिलिटी साइड पे शो करी है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर यूज होगी, तो मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए हमें मिल गया ना, तो ये अभी के लिए हमारे लिए लायबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद क्या था, प्रीपेड हमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी दिखे थे, तो प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंस 900 के, और साथ ही साथ हमें आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम का भी अमाउंट दिखा था, तो वो इधर आ जाएगा। सारी आउटस्टैंडिंग चीजें यहीं आती हैं और प्रीपेड यहीं आती हैं, बट सब्सक्रिप्शन के केस में अपोजिट चलता है, तो ये आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वाला
400 का, बाकी जो भी कैश एंड बैंक का बैलेंस गिवन है 98,500 का, वो आ जाएगा। अब क्या करेंगे, बस जो दोनों साइड टोटल है वो लिख दो, 530400, 530400, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। स्टूडेंट्स होता क्या है ना कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और इनको समझा के सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए एक वीडियो में या तो दो या दो से तीन क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाते हैं, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि छोटी सी छोटी वीडियो हो और आपको कंसेप्ट भी समझ में आए। सो मैं धीरे धीरे करके आपके पास ये चैप्टर फिनिश करूंगी। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन।